हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ द्वारा हिमाचल प्रदेश बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 18वां त्रैवार्षिक दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ हो गया है। अधिवेशन में प्रदेश भर से करीबन 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। इस अवसर पर आरएसएस के प्रांत कार्यवाहक किस्मत कुमार, भारतीय मजदूर संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बैंक के पूर्व निदेशक बलवीर कुमार शर्मा, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएल योगी भी मौजूद रहे। दो दिवसीय अधिवेशन में बैंक में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तों व अन्य मांगों पर भी चर्चा होगी और आगामी कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई। इसके दौरान हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को, विशेषतः जनता को, बेहतर बैंकिंग व सेवाएं प्रदान किए जाने के प्रति भी चर्चा की गई। बैंक प्रबंधन व भारत सरकार के समक्ष विषय को भी उठाया जाएगा। ग्रामीण बैंक प्रदेश अध्यक्ष एपी शर्मा ने कहा कि बैंकों के एकीकरण के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय बैंक ग्रामीण बैंक की स्थापना की जा रही है, लेकिन उसे नहीं माना जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की प्रदेश की सभी 12 जिलों में 264 शाखाओं के माध्यम से 16 लाख से अधिक ग्राहकों को बैंक सेवाएं प्रदान करवाई जा रही हैं। वर्तमान में बैंक का व्यवसाय 6000 करोड़ से अधिक का है तथा बैंक की स्थिति लाभप्रद है। वर्ष 2005 में भी सभी बैंकों के एकीकरण की कोशिश की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एकीकरण नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा कर्मचारी भुगत रहे हैं। आदरणीय धूमल जी के प्रयासों से हम लोग लगातार तो लड़ाई लड़ रहे थे कि इन बैंकों का एकीकरण होना चाहिए और उस एकीकरण के अनुसार इस देश के अंदर एक मेगा बैंक की स्थापना होनी चाहिए और उस मेगा बैंक के स्वरूप इस देश के अंदर जो ये सभी 196 ग्रामीण बैंक चल रहे थे, इन सभी ग्रामीण बैंकों का एकीकरण करके इस देश के अंदर एक मेगा बैंक के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होनी चाहिए। इस बीड़े को लेकर के हम काम कर रहे हैं, वो आज तक भी हम काम कर रहे हैं। हम लोग जो मिला और वो जो हम लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक होनी चाहिए, हम लोग जानते हैं एक बीवी व्यास नाम की एक जर्मन के डिप्टी गवर्नर के अध्यक्ष में कमेटी का गठन किया गया। ये 2003 में इस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 2004 में जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी, वाजपेयी गवर्नमेंट बाद में रिपीट हुई नहीं हमारे दुर्भाग्य से, लेकिन बाद में उस कमेटी ने जो 3 रिकमेंडेशन दी, उसने पहली रिकमेंडेशन ये दी कि इस देश के अंदर वास्तव में अग्नि यानी ये रूरल एरिया में डोर स्टेप तक अगर बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है तो इस देश के अंदर निश्चित रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन उसने दूसरी सुझाव दिया कि ये दूसरे कमर्शियल संचालक बैंकों की सब्सिडी के रूप में भी बैंकों की स्थापना हो सकती थी। गवर्नमेंट ने तीसरी ऑप्शन को, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन को यूज करते हमेशा, फर्स्ट में उनकी ऐसी सोच नहीं थी, तो तीसरी ऑप्शन की और उसके बाद तो 2005 से इनका एकीकरण अमलगमेशन का काम शुरू हुआ। वर्तमान में उस अमलगमेशन को भी बहुत स्लो प्रोसेस से चल रहा है। पिछले 13 वर्षों से वो 2005 से लेकर 18 आ गया, अभी तक भी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है।